ये वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है, श्रृंगार वट घाट, आगे है चीर घाट, उससे आगे भ्रमर घाट। और यहाँ पर वृंदावन की परिक्रमा में भी इतना जल नहीं आया है, थोड़ा बहुत ही है। ये देखें, यहाँ से सामने से संत भगवान आ रहे हैं और यहाँ से पैदल पैदल भी निकल सकते हैं। लेकिन ये देखो नाव, जहाँ पर कभी गाड़ी घोड़ा चलते थे वहाँ नाव चल रहे हैं। और यहाँ से रास्ता है निधवन जी मंदिर जाने की, रासमंडल की जाने की। तो इस रास्ते से हम निधवन मंदिर नहीं जा सकते, अगर आपको निधवन जाना है तो श्याम सुंदर राधा दामोदर की तरफ से जाना पड़ेगा। ये देखिए बुनियादी रिक्शा खड़ा है परदेसियों का, ये सोच रहे हैं हम लोग निकले नहीं निकले क्योंकि आगे बंद हो गया। तो जय जय श्री राधे। ये देखिए ये चला रिक्शा, ये चले दो दो रिक्शा। तो यहाँ से आप पैदल नहीं निकले क्योंकि ये भी गया दूसरा। जय जय श्री राधे। ये सामने है रासमंडल, उससे आगे है श्री निधवन राज मंदिर। तो परिक्रमा मार्ग की तरफ से अगर निधवन जी जा रहे हैं तो यहाँ से ना निकले, यहाँ पर पानी घुटना घुटना है। तो आगे चलते हैं अपने निधवन मंदिर की तरफ। ऐसा पूछ रहा है रिश्तेदारी में। संजय, तो ये रास्ता है, ये देखिए सामने है यमुना महारानी जी। और इस रास्ते से भी हम जाते हैं वृंदावन के केशी घाट और वृंदावन के चीर घाट और निधवन राज मंदिर। तो देखिए सारी ये पुरानी छतरियाँ बनी हुई हैं, पुराने घाट हैं। जय श्री राधे। यहाँ देखो गाड़ी घोड़ा चलन करते हैं, हम यहाँ नाव है, ये है आनंद। और देखो पुराने घाटों पर फिर यमुना महारानी जी हमें दर्शन दे रही हैं। राधे राधे। पेड़ के नीचे चल रहे हैं, भारी सारी मोबाइल भी है। ये देखो कुर्सी पड़ी हुई है, ये पता ना हमारे मोबाइल में ना काया हुआ, ब्लर है बार बार। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। इधर को पुराने घर, जय हो जमुना मैया की जय। तो ये रास्ता जाता है निधवन मंदिर के लिए। तो इस मार्ग से भी अभी आप जा सकते हैं, इतना कोई खास मतलब परेशानी नहीं होगी आपको जाने में। और आगे केसी घाट है, वो रास्ता बन गया। ये है वृंदावन का मदन मोहन जी मंदिर, श्रीधाम वृंदावन, श्री बांके बिहारी मंदिर के पीछे आपको दर्शन होते हैं। और आज हम यहाँ से आपको लेकर जाने वाले हैं कालीदेह मंदिर श्री राधे। तो इस मार्ग में आप पूरे में देखेंगे पूरा यमुना जी का जो जल है उससे वो पूरा मार्ग खराब हो चुका है यमुना जी के जल से। तो हम यहाँ से यानी बिहारी जी मंदिर से, मदन मोहन जी मंदिर से जाने वाले हैं कालीदेह मंदिर तक। कालीदेह मंदिर वही मंदिर है जहाँ पर भगवान ने कालिया नाग का दमन किया था, उसको यहाँ से। तो हम आ गए दोबारा कालीदेह मंदिर, वृंदावन का कालीदेह मंदिर। ये वही मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया था। ठीक है, हम आपको दर्शन कराएंगे। इसी स्थान पर यमुना जी में अंदर छलांग लगा के उस कालिया नाग को भगाया था ठाकुर जी ने। तो वही कालीदेह स्थान है। तो उस समय भगवान, उस समय यमुना महारानी जी इस स्थान पर घाट पर दर्शन देती थी। और कुछ कालांतर की वजह से दोबारा यहाँ से यमुना जल गायब हो गया, फिर वापस आ गुरु जी का आएगा। गाड़ी खिंच रही है संजय ट्रैक्टर से, गाड़ी खिंच रही है ट्रैक्टर से, गाड़ी खिंच के जा रही है। ये है अंदर कालीदेह स्थान। अंदर चल रहे पहले दर्शन करके आऊंगे। राधे राधे। तो ये देखिए ये है वो मंदिर कालीदेह मंदिर, यहाँ पर आपको दर्शन होता है। जय हो सही। तो भैया यहाँ पे आप अपनी गाड़ी लेकर मत आएं, अभी ये देखिए भैया जा रहे हैं इसे खींच के जाएगी। तो हमें कालीदेह मंदिर में परिक्रमा मार्ग पर, ओ कांटा घुस गया पाम में यार। राधे राधे। ये गाड़ी आएगी बंद, ट्रैक्टर से खींचेगी अब जी।
खाने आप मच्छी गोता मारे बढ़ जाओ जे के पहलवान मच्छी गोता मार बे ये जो तीसरा।